नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। सरकार द्वारा जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलकर गरीबों को सस्ती कीमतों में दवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, मगर महोबा जिला अस्पताल में खुला जन औषधि केंद्र मरीजों को न केवल अधिक कीमतों में दवा दे रहा है बल्कि आरोप है कि बाहर की दवा मंगवा कर जन औषधि केंद्र से बेचा जा रहा है और अस्पताल के ही एक कक्ष के बाहरी दवा का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर सीएमएस ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया और पाया कि अस्पताल के कक्ष में बड़ी मात्रा में दवा से भरे गत्ते भरे हुए रखे हैं, जिस पर सीएमएस ने जांच के आदेश दिए हैं। महोबा जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखने के मामले में आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन अब तो मरीजों का आर्थिक शोषण करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही बाहर की दवा है बेचने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने कम कीमत में महंगी दवाओं को जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों को उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है, लेकिन इस जन औषधि केंद्र में कमीशनखोरी का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसका असर सीधा जिला अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों पर पड़ रहा है। आरोप है कि उक्त जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाओं के मूल्य मेडिकल में मिलने वाली दवाओं की कीमत के बिल्कुल विपरीत है। साथ ही दवा लेने के बाद मरीज और उनके तीमारदारों को कोई बिल नहीं दिया जा रहा, मनमाने दाम में दवा दिए जाने के आरोप पूर्व में भी लगते रहे, मगर बीते रोज अपर निदेशक स्वास्थ्य के निरीक्षण में जन औषधि केंद्र से बाहरी दवाओं को दूसरे कक्ष में छिपा कर रख दिया गया। आज जब पता चला कि जन औषधि केंद्र से ही बाहरी दवाओं को ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है, यही नहीं बाहरी दवाओं को स्टोर कर रखे जाने का भी मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल के कक्ष संख्या 34 में बड़ी मात्रा में बाहरी दवाओं का स्टॉक देखा गया, जिसकी शिकायत सीएमएस को मिलते ही सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे और पाया कि जन औषधि केंद्र के लिए निर्धारित कक्ष के अलावा एक अन्य कक्ष में भी बड़ी मात्रा में बाहरी दवाएं स्टोर करके रखी गई हैं। आरोप है कि जन औषधि केंद्र संचालक द्वारा बाहरी दवाओं को स्टोर कर रखा गया है और इन्हीं दवाओं को जन औषधि केंद्र से अधिक दामों में मरीज और तीमारदारों को बेचा जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है। गरीब और मजबूर जिला अस्पताल में निशुल्क इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं तो वहीं अच्छी दवा मिले उसके लिए जन औषधि केंद्र से दवा खरीदते हैं, लेकिन यहां उनके साथ धोखा हो रहा है। सरकार की मंशा के विपरीत जन औषधि केंद्र से अधिक दामों में दवा बेचने के साथ साथ अधिक मुनाफा और डॉक्टरों की कमीशनखोरी के लिए बाहरी दवाओं को अधिक मूल्य में बेचा जा रहा है। इस मामले को लेकर सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल मानते हैं कि अपर निदेशक स्वास्थ्य के निरीक्षण के दौरान दवाओं को छुपाया गया होगा, जहां दवाओं का ताले के अंदर रखा गया, ये दवाएं कहां से आईं और कौन रखा है इसको लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये उस दिन परसों 7 तारीख को एडी चेक करने आई थी अस्पताल, और शायद मुझे लगता है जैसे दवाई इसकी होगी तो इन्हें डुबका दी उसमें रख के। ये बिना उसकी लोगों वाली दवाई होगी, ये जो प्रधानमंत्री लोगो होता है उसी की दवाई बेचने की ऑथराइज है ये लोग, और ये बिना उसकी लोगो वाली दवाई ले आए होंगे इसलिए उन्होंने डुबका दी। सर, जन औषधि केंद्र में आपने चेकिंग की भी, बिना लोगों की जन औषधि की दवाई मिली है? थोड़ी दवाई बिना लोगों की है। उसके समय ऑथराइज दवाई रखनी ना बना है? किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? तो इनके मालिक को लिखते हैं, अभी बंद करवाएंगे, यहाँ पे किसी और को लाइसेंस दिया जाएगा। क्या क्या है कि कुछ डॉक्टरों की मिली भगत से जन औषधि केंद्र में कमीशन खोल के खेल चला, इसपे जांच करेंगे? जांच करवा लेंगे। सर, ये जो दवाई बाहर स्टोर में रखी हुई है, काला लॉक है, वहाँ बाहर की दवाइयाँ रखी हुई है वो जन औषधि में ही जा रही है? तो उसे बताते हैं ना, उनकी चाबी करिए, लड़की जो इस वक्त है ना वो उसको चाबी दीजिए, मालिक पे होगी तो उससे बुलवाते हैं चाबी।